जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तुम कुछ मत सोचो, मेरे पास आ जाओ, मेरे मंदिर आ जाओ। और एक काम करो, मंदिर में कुछ समय के लिए बैठो, बैठो और ध्यान लगाओ। इसके बाद सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जब तुम मुझसे कोई बात कहते हो, तो मैं उसको बहुत गौर से सुनता हूँ। और मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि जब तुम मुझसे नहीं भी कहते हो, तब भी मैं तुम्हारे मन की बात को सुनता हूँ। लेकिन एक बात तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैंने हर बार तुमसे कहा है कि जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, जब भी तुम्हें बहुत सारी परेशानियाँ एक साथ आकर घेर लें, तो कुछ मत करो, मेरे पास आकर बैठ जाओ। और अगर दिल करे तो मेरे मंदिर आके बैठ जाओ, बैठो थोड़ी देर। तुम खुद देखोगे कि तुम्हें एक ऐसा सुकून महसूस होगा जिस सुकून की तुम कितने सालों से प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारे मन की ये जो बेचैनी है ना, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे सोचने से और तुम्हारे बेचैन होने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। जब तुम मुझ पर सब चीज़ें छोड़ चुके हो, तो इंतज़ार करो, देखते तो जाओ ना कि मैं तुम्हें कैसे उस जगह तक पहुँचाता हूँ जिस जगह तक पहुँचाने का वादा मैंने तुमसे किया था। तुम्हें याद होगा, तुमने जाते हुए भी मुझसे कुछ कहा था, और आज जब वहाँ पर पहुँचने वाले हो, तब भी मैं ही सुन रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ, और मैं ही सब कुछ संभालूंगा भी। मैं सब कुछ ठीक करूँगा, ये मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ। और इतने बेचैन, इतने परेशान रहने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। तुम खुद को इतना बेचैन, इतना परेशान मत करो, क्योंकि तुम जो जिस जगह पर अभी हो और तुम जिस जगह पर अभी जाओगे, सब चीज़ें मेरे हाथ में हैं और मैं ही उनको देख रहा हूँ। मैं एक बात तुमसे कहता हूँ, अपनी परेशानियों को थोड़ा सा विराम दो, थोड़ा सा आराम दो खुद को भी, और थोड़ा सा खुद सोचो कि तुम्हें इस समय पे मानसिक तौर पर आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारे दुख और तकलीफ़ों वाले दिन मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अब धीरे धीरे तुम देखते तो जाओ कि सब चीज़ें कैसे बदलती हैं, सब चीज़ें कैसे ठीक होती हैं। और सब चीज़ों के लिए तुम्हें मैं एक बात कहता हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा भी करना पड़ेगा, श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी और सबूरी भी रखनी पड़ेगी। सबूरी इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ये कहूँ कि अब तुम्हारे दुखों के दिन फिर आएंगे, नहीं, कोई दुखों के दिन नहीं आएंगे। लेकिन जिन चीज़ों को तुम चाहते हो, उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा सबूरी रखो। सबूरी के साथ देखते तो जाओ, सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे और दिन बदलते जाएंगे। एक एक पल, एक एक महीना, तुम देखोगे तुम्हें कैसे खुशियाँ नसीब होती हैं। बस तुम हो कि एक दिन में सब चीज़ें चाहते हो, एक दिन में कुछ नहीं बदलता। इंतज़ार करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिले, और ना कि मैं जादू करके मैं सब कुछ पलट दूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे कर्मों को ऐसा बना दूँगा कि तुम्हें मजबूर कर दोगे तुम मुझे देने के लिए, और मैं तुम्हें दूँगा। तो इसलिए सबूरी रखो, बस सबूरी। और अभी के लिए खुश रहो, हमेशा खुश रहो।